हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के कहीं ना कहीं चिंता ये थी कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 हटेगा कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो संसद भवन में ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के मुद्दे बहुत तेजी से आज उठाए गए थे। आप लोग चलिए पहले ये देखिए। उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए। वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है। तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, इट इज एक्चुअली ओनली 3,50,000। सो आई अपील द रेलवे मिनिस्ट्री टू अनाउंस अनदर 3,50,000 रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दे कैन अटेंड द एग्जाम। इससे मेरा आग्रह है कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए ये जो 2 डिमांड है, ग्रुप डी का एक एग्जाम एंड ये जो छात्रों का जो आक्रोश था सर, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक एक रोल नंबर कई कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला सर, इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर, उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको उनको घरों में घुस के मारा गया, उनको घरों में घुस घुस के लाठियों से पीटा गया सर। और आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश के नौजवानों की समस्या को, छात्रों की समस्या को सुनने के बजाय सरकारें अगर उनसे लाठी और मुकदमों से निपटेंगे तो काम नहीं चलेगा। 1,000 लोगों पे FIR हुई सर, 1,000 छात्रों पे FIR हुई है। करके बड़े रविंद्र कुमार होनी चाहिए। करके बड़े रविंद्र कुमार।